नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम सीखेंगे कि एटीएम कम डेबिट कार्ड का उपयोग कैसे करें। उसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि एटीएम पिन कैसे बदलें, एटीएम से नगद राशि यानी कैश विड्रॉल कैसे करें और एटीएम से मिनी स्टेटमेंट कैसे प्राप्त करें। एटीएम कम डेबिट कार्ड आपको जब आपने अकाउंट खोला होगा तो उस वक्त आपको जो किट मिली होगी उसमें होगा, उसके साथ में चेकबुक, इसके अलावा एक अलग से लिफाफा मिलेगा, उसमें उस एटीएम का 4 अंकों वाला पिन भी होगा। यदि आपका खाता पुराना है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट बैंक में जाके करें तो आपको एटीएम कार्ड कुछ दिनों पश्चात बाय पोस्ट मिल जाएगा और उसके 3-4 दिन पश्चात आप बैंक जाके उसका पिन ले सकते हैं। ये एटीएम कम डेबिट कार्ड जैसे ही आपको बैंक से प्राप्त हो तो उसके पीछे जो एक सफेद पट्टी बनी हुई है उस पर वह व्यक्ति साइन कर लें जिसके अकाउंट के अंतर्गत यह एटीएम कम डेबिट कार्ड इशू हुआ है। इस एटीएम कार्ड के साथ में एक मार्गदर्शिका यानी यूजर गाइड भी आपको मिली होगी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो आपको एटीएम कम डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करने में काफी सुविधा होगी। सबसे पहले तो आप जब नया एटीएम कार्ड आता है तो उसे पहली मर्तबा आप उसी बैंक के एटीएम मशीन में इस्तेमाल करें जिस बैंक का वो है। एक बार उसके इस्तेमाल करने के पश्चात वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पश्चात उसे आप किसी अन्य बैंक की एटीएम मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि एटीएम कम डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन में कैसे इस्तेमाल करें। तो देखिए, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें कि हमारा अकाउंट है उसके एटीएम मशीन के सामने खड़े हैं और ये आपके सामने एटीएम कार्ड है। इस एटीएम कार्ड को आप जो दाहिने तरफ स्लॉट बना हुआ है उसे पूरी तरह अंदर डालें और वापस खींच लें और इसे जेब में रख लें ताकि आप इसे भूल ना जाएं। ऐसा करने के पश्चात देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आया है जिसपे आपको भाषा चुनना है, इंग्लिश या हिंदी। हम इंग्लिश चुनते हैं और चूंकि ये सारा ट्रांजेक्शन टच स्क्रीन से होता है इसलिए हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको हम टच करते हैं। उसको टच करते ही देखिए यहां एक स्क्रीन आया है, इसमें आपको कहा गया है कि आप 10 से 99 के बीच की कोई भी संख्या आप एंटर करें। हम उदाहरण के लिए 25 चुनते हैं, 25। तो देखिए जो 25 हमने एंटर किया था वो यहां पर स्क्रीन पर आ गया है। इसके पश्चात आप यस पर टच करें। यस पर टच करते ही देखिए सामने आपके आया है कि प्लीज एंटर योर पिन। जो 4 अंकों वाला पिन आपको जो बैंक से अलग से लिफाफे मिला है उसे आपको ऐड करना है। यह वो कागज है जिसमें वो पिन है, इस कागज को आप साइड से फाड़ेंगे तो देखिए आपको ये 4 अंकों वाला पिन दिखेगा, इसे आपको एंटर करना है। इस 4 अंक वाले पिन को आप जो नीचे की पैड बना हुआ है उस पर प्रेस करके आप एंटर करें तो देखिए स्क्रीन पर आपको 4XX दिखेंगे, तो ये आपका पिन हो गया। पिन को एंटर करते ही देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, उसमें जो दाहिने तरफ बैंकिंग करके जो ऑप्शन है उसको आप टच करें। उसको टच करते ही देखिए आपके सामने ये ट्रांजैक्शन का एक पूरी लिस्ट आ गई है। इसमें सबसे पहले आप अपना पिन चेंज कर लें क्योंकि पिन हमें बैंक से मिला है तो सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छा है कि आप इसे चेंज कर लें। तो जो बाएं तरफ पिन चेंज का ऑप्शन है उस पर आप टच करें। उसे टच करते ही देखिए आपको नया पिन एंटर करने के लिए कहा गया है, उसे आप नीचे जो की पैड दिया हुआ है उसके सहायता से आप कोई भी 4 अंकों वाला अपना मनचाहा पिन एंटर करें। ऐसे करने के पश्चात उसे आपको दोबारा एंटर करने के लिए कहा गया है तो आप उस की पैड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उसी पिन को एंटर करें। ऐसा करते ही देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर आएगा कि आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है तो आप थोड़ा इंतजार करें और देखिए अब आपका पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और देखिए ये बाएं तरफ एक स्लिप निकल आई है उस पर लिखा हुआ कि पिन हैज बीन चेंज, तो इस तरह से आपने पिन चेंज कर लिया है। अभी जो पिन हमने चेंज किया है उसे भविष्य में भी आप कुछ कुछ दिनों में चेंज करते रहें, यह सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहता है।
एक बात का और ख्याल रखें कि पिन जो है कहीं लिख कर रखें, तो आप उसे एटीएम कार्ड के साथ लिख कर न रखें, ताकि कभी किसी और के हाथ में पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग न हो। और जब कभी आपका कार्ड खो जाए तो उसकी सूचना आप फौरन बैंक को दे दें, ताकि बैंक उसे ब्लॉक कर दें और उसका दुरुपयोग न हो पाए। अब हम कैश विड्रॉल की प्रक्रिया को सीखेंगे। इसके लिए जो शुरुआत की जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आपको पिन चेंज करते वक्त बताई थी। जैसे आप कार्ड डालेंगे, भाषा चुनेंगे, अंक डालेंगे कोई 10 से 99 के बीच का, फिर पिन एंटर करेंगे और जो ये स्क्रीन आएगा इस पर आप जो बैंकिंग का ऑप्शन है दाहिने तरफ उस पर आप टच करेंगे तो देखिए आप ये ट्रांजैक्शन की जो लिस्ट आई है उस पर आ जाएंगे। तो इसमें जो दाहिने तरफ ये कैश विड्रॉल का जो ऑप्शन है उसको आप जब टच करेंगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहां आपको चुनना है कि आपका अकाउंट करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट। अब चूंकि हमारा सेविंग्स अकाउंट है इसलिए हम सेविंग्स पर टच करेंगे। इसको टच करते ही देखिए यहां पर आपको अमाउंट एंटर करने के लिए कहा गया है। हम उदाहरण के लिए 100 रुपए एंटर करते हैं, उसके लिए ये जो नीचे कीपैड बना हुआ है उसकी हम सहायता लेंगे। देखिए सामने ये 100 रुपए आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। उसके पश्चात आप यस पर टच करें तो यहां पर देखिए स्क्रीन पर आ गया है कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो आप इंतजार करें। और देखिए ये नीचे 100 रुपए का नोट आ गया है, इसे आप ले लें। इसके साथ ही देखिए बाईं तरफ एक स्लिप निकली है, उस पर आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपने 100 रुपए विड्रॉ किए हैं। तो इस तरह से हमने कैश विड्रॉल करने की प्रक्रिया को सीखा। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो नोट जहां से निकलते हैं जिसे स्लॉट्स कहते हैं उसमें से एक बार में केवल 40 नोट ही निकल पाएंगे। इसलिए यदि आपको बड़ा अमाउंट निकालना हो तो बेहतर होगा कि आप छोटा छोटा अमाउंट करके 2-3-4 बार में निकाल लें, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एटीएम पिन चेंज करने के पश्चात तथा कैश विड्रॉल की प्रक्रिया सीखने के पश्चात अब हम सीखेंगे कि यदि आपको मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करना हो तो उसे कैसे करें। उसमें शुरुआत की स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले आपको बताई थी। उसको सब पार करते हुए आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसमें देखिए दाएं तरफ जो बैंकिंग का ऑप्शन है उसको आप जब टच करेंगे तो आप ये सिलेक्ट ट्रांजैक्शन वाले स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इसमें जैसे हमने शुरू में पिन चेंज और कैश विड्रॉल का ऑप्शन को टच किया था उसी तरह हम जो नीचे मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है उसको जब आप टच करेंगे यहां पर आपको यह बताना होगा कि करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट से आपको चाहिए स्टेटमेंट। तो चूंकि हमारा सेविंग्स अकाउंट में खाता है इसलिए हम इस फ्रॉम सेविंग्स को टच करेंगे। उसको टच करते ही देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आया, इसमें लिखा है कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो आप इंतजार करें। और देखिए आपके सामने वो मिनी स्टेटमेंट है जो हम चाह रहे थे। तो आज हमने सीखा कि एटीएम कम डेबिट कार्ड का उपयोग, एटीएम पिन बदलने में कैसे करें, एटीएम से नगद राशि निकालने में यानी कैश विड्रॉल में कैसे करें तथा एटीएम से मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने में कैसे करें।